इन सीरीज एल सी आर, सीरीज एल सी आर, अब ये अब आपको पढ़ना पड़ेगा पैरेलल है या सीरीज है। तो कह रहे हैं कि सीरीज एल सी आर है, रेजोनेंस कैपेसिटेंस इज मेड 1/4। तो आपको क्या किया, वो क्या कह रहे हैं, कैपेसिटेंस अगर पहले सी थी, हमने क्या कर दी, सी बाय फोर कर दी रेजोनेंस पे। आगे व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस में कितनी चेंज करूं सो दैट सर्किट विल अगेन बी विल इन रेजोनेंस, क्योंकि सी चेंज किया तो रेजोनेंस खत्म हो गई, क्योंकि रेजोनेंस तब थी जब एल और सी था, आपने सी को चेंज कर दिया। वो कह रहे हैं अब एल में क्या चेंज करें ताकि सर्किट क्या आ जाए रेजोनेंस में एट हाफ द इनिशियल फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली अगर आप सी को सी बाय फोर करोगे और आप ओमेगा रेजोनेंस में लाना चाहते हो, तो आपका आंसर पहला पता है क्या होगा, एल को 4 टाइम्स कर दो ताकि आंसर सेम रहे। वो कह रहे हैं मेरे को सेम चाहिए ही नहीं, अब एल चेंज करो क्योंकि आपने सी को चेंज किया, अब मेरे को फ्रीक्वेंसी जो चाहिए वो मुझे चेंज होके चाहिए, वो हाफ दी पहली फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अब ऑब्वियसली रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है, तो सी को मैंने सी बाय फोर कर दिया और एल को मैंने एल डैश कर दिया, तो ओमेगा को भी मैंने चेंज कर दिया। ओमेगा यहाँ पर कितना है, ओमेगा जो न्यू है वो कितना है, हाफ ऑफ जितना ओमेगा पुराना था, तो पुराना ओमेगा कितना था 1/√ ऑफ एल सी, और नया ओमेगा कितना है 1/√ ऑफ एल डैश इंटू सी बाय फोर। इसे स्क्वेयरिंग कर लेना, एल डैश की वैल्यू आएगी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। तो रेजोनेंस के ऊपर किस टाइप की प्रॉब्लम है इसमें, जैसे क्वेश्चन है फॉर रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी इन सीरीज, आर और सी किस में गिवन है, सीरीज में। द इम्पीडेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कह रहे दो केस हैं, एक बार आर और सी सीरीज में और एक बार आर और सी पैरेलल में है। ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन में कैसे आएगा, क्योंकि सीरीज भी है पैरेलल भी है। वो क्या कह रहे हैं, जो इम्पीडेंस है पहले केस में वो डबल है, कब, जब इम्पीडेंस दूसरे केस में है। तो इसकी इम्पीडेंस अगर जेड है तो इसकी डबल है, तो आपको क्या निकालना है, आपको बताना है इसमें ओमेगा क्या होगा। अब मुझे सिर्फ ये बताओ इसकी इम्पीडेंस क्या होगी, सीरीज के अंदर इम्पीडेंस क्या होती है, √ ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, और पैरेलल में इम्पीडेंस क्या होती है, आज हमने की 1/z स्क्वायर इज 1/r स्क्वायर 1/x सी स्क्वायर एक्स एल, तो इसमें है ही नहीं, तो स्क्वायर का ये √ ले लिया मैंने, तो ये मेरे पास इम्पीडेंस आ गई। एक्स सी क्या होता है, 1/c ओमेगा, तो सॉल्व करके ये क्या आ गया मेरे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इम्पीडेंस करती, तो ये आ गया मेरे पास। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जेड आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में जेड आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीरीज के अंदर इम्पीडेंस इज ट्वाइस पैरेलल की इम्पीडेंस, तो मेरे पास स्क्वेयरिंग कर दिया, सीरीज की इम्पीडेंस जेड ऑफ एस है मेरे पास, पैरेलल की इम्पीडेंस जेड ऑफ पी है मेरे पास, दोनों को यहाँ पर पुट कर दिया तो ये टर्म आ गई, इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये टर्म आ गई। आपको ओमेगा निकालना है, कौन सॉल्व करेगा ओमेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो आपने अब जाके ऑप्शंस देखनी है, ऑप्शंस चार ऑप्शंस होंगी। तो मान लो पहला ऑप्शन है ओमेगा इज इक्वल टू आर बाई सी, दूसरा ऑप्शन है ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC, तो आप इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू को पुट करेंगे 1/RC, यहाँ भी और यहाँ भी, एक एक करके ऑप्शन लेंगे, ए पहले ए ऑप्शन फिर बी ऑप्शन, जो सेटिस्फाई कर गया लेफ्ट और राइट वो सही आंसर है। तो जैसे इस केस में बी ऑप्शन ओमेगा 1/RC है, आप यहां और यहां पुट करें 1/RC, सॉल्व करें लेफ्ट और राइट बराबर आंसर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो कैसे आपने हिट एंड ट्रायल से चेक करना है इसमें, ठीक है, नॉट फॉर मेडिकल।